हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका भाई मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। तो आ चुका हूँ एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। और आज का जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स स्ट्रेस में क्यों आ जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने सभी भाइयों के साथ शेयर किए जाए। और कुछ दोस्तों जो है एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ पॉइंट कलेक्ट किए हैं और कुछ मैंने सर्च किया है, कुछ बंदों की गाइड ली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर बात की जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे दोस्तों ये होगा कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और जब बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, पास में जो बेल आइकन होता है, तो फिर जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। दोस्तों मैं इस चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाया करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो भाइयों अब वीडियो को शुरू करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम टाइम में है जो पूरा किया जाए और आपको जो है कम से कम टाइम में पूरी गाइड मिले। क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं कि मोहित भाई आप वीडियो बड़ा बना रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अब वीडियो छोटा बनाया जाए और आपको कम से कम टाइम में है जो इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस होता है, जो बर्ड्स तनाव में आते हैं, तो वो किस कारण से आते हैं। तो दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ और मैंने कुछ है जो पॉइंट कलेक्ट किए हैं, तो जो है बर्ड्स की स्थिति में बदलाव करना, यानी कि बर्ड्स के केजेस को बदलना और बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह रखना और अचानक से कोई चीज़ को हटाना या रखना और अचानक से हांडियों को पूरी को हटा देना, और मतलब कि बहुत बदलाव होते हैं। तो इससे दोस्तों बर्ड्स है वो स्ट्रेस में चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कॉलोनी से हांडी बॉक्स वगैरह ना हटाएं, ये हटानी चाहिए और आपने देखा होगा कि मैं भी हटाता हूँ हांडियाँ और बॉक्स। लेकिन दोस्तों जब भी हम अपनी कॉलोनी को रिपेयर करें या हांडी बॉक्स हटाएं, स्टिके जो है अलग तरीके से लगाएं, तो उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें बर्ड्स को देनी चाहिए जिससे बर्ड्स है जो एक्टिविटी करता रहे। स्ट्रेस में आने का जो मेन कारण होता है वो दोस्तों ये होता है कि जब बर्ड्स कोई एक्टिविटी नहीं करता है और जो है बर्ड्स एक नई जगह पे चला जाता है या बर्ड्स की एक्टिविटी करने का कोई साधन नहीं होता है केजिस पिंजरों में, तब दोस्तों जो है वो बर्ड्स स्ट्रेस में चला जाता है। आप दोस्तों देखते होंगे कि जो बर्ड्स जंगलों में रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ तरीके से अपना जो है मनोरंजन करते हैं, जैसे कि पेड़ों के ऊपर खेलना कूदना वगैरह, तो इस तरीके से। और हमें भी दोस्तों कुछ केजिस पिंजरों में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए एक्टिविटी के लिए कि बर्ड्स एक्टिविटी करता रहे। तो कुछ भाइयों का मेरे पास है जो मैसेज आया कि मोहित भाई हमने सारी हांडियों को अचानक से हटा लिया और हमारे जो बर्ड्स है वो सुस्त बैठने लग गए, यानी कि बर्ड्स कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और जो है वो दाना पानी भी बिल्कुल कम खा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दोस्तों अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बछड़ी तोतों की कॉलोनी में मैंने भी हांडी बॉक्स वगैरह हटाए थे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ बदलाव भी किए थे और मैंने कुछ ऐसे बदलाव किए थे ताकि जो है वो बर्ड्स खेलते रहें। जैसे कि मैंने नीम के पत्ते जो है, नीम का जो पेड़ होता है उसकी जो टहनियाँ लगाई थी मैंने, पतली पतली टहनियाँ जिसके ऊपर बर्ड्स बैठे तो झूले वगैरह खाएँ, लटके कूदें उनके ऊपर, और जो बर्ड्स है वो उसके लगाने के बाद है जो एक घंटा तो उसके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद में है जो बर्ड्स उसके साथ खेलने लगे और सुबह और शाम के टाइम है जो बर्ड्स मस्ती के मूड में होते हैं उस समय तो खेलते हैं, दोपहर में तो जो बर्ड्स है वो भी रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप भी लगाएं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपने बजरी तोतो कॉलोनी में देखा होगा मेरे यहाँ कि दो झूले लगे हुए जिसमें से एक झूला गोल घूमता है और एक झूला वो है जो सिंपल झूला है, तो आप भी दोस्तों कुछ झूले वगैरह लगाए। और अब कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सेपरेट केज है, हमारे पास तो छोटे पिंजरे हैं, तो अब उनमें कैसे क्या है कि टहनियाँ लगाएं, कैसे झूले लगाएं, तो छोटा सा पिंजरा है उसमें ऐसे ये सब कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप छोटे पिंजरे में एक छोटा झूला लगा सकते हैं और आप क्या है कि उसमें ऐसी कुछ छोटी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे क्या है कि बर्ड्स उसे जो है चोंच से इधर उधर करता रहे। दोस्तों आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं कि
ये लवबर्ड का पेड़ है दोस्तों। मैं जो ट्रे में जो अखबार डालता हूँ ये उसे पूरा कुतर देता है। पूरे दिन दोस्तों मस्ती में लगे रहते हैं ये मेल फीमेल दोनों, और कुतर कुतर के है जो बॉक्स में लेके जा रहे हैं, जबकि मैं जो है नेक्स्ट मटेरियल भी दे रहा हूँ। तो इससे दोस्तों है जो टाइम पास होता रहता है, बर्ड्स खेलते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। बर्ड्स खुश रहते हैं, और जब बर्ड्स जिस जगह पे बर्ड्स खुश रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं दोस्तों। आप बस बर्ड्स को खुश रखें और बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, और बाकी दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूले वगैरह कुछ नहीं होते। ब्रीडिंग फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है बर्ड्स को देने की। मैं न तो कभी कोई ब्रीडिंग फार्मूला है जो आपको बताता हूँ, और न ही मैं देता हूँ। मैं तो सिर्फ बर्ड्स को खुश रखता हूँ और अच्छी से अच्छी डाइट देता हूँ, और कुछ विटामिन कैल्शियम वगैरह की मेडिसिन वगैरह देता हूँ। तो आपने मेरे यहाँ की प्रोग्रेस वगैरह तो देखी होगी। तो दोस्तों ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाए। और जब भी आप बर्ड्स को रेस्ट दें तो उस समय कॉलोनी केजेस में कुछ बदलाव करें, तो उनमें जो है कुछ टहनियाँ वगैरह लगाएं, कुछ झूले लगाएं, और कुछ पाइप वगैरह जो वेस्ट वाटर वाले नाले होते हैं वो लगाएं, जिसमें बर्ड्स अंदर घुसे वापस बाहर निकलें। तो बहुत साधन है दोस्तों बर्ड्स की एक्टिविटी के, खेलने के बहुत साधन है, वो आप कॉलोनी में लगाएं। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक की इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।